भारत की शेरनियों ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में बड़े हौसले के साथ दिन की शुरुआत की। अर्जेंटीना के खिलाफ पहले क्वार्टर में अर्जेंटीना के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाते हुए गुरप्रीत कौर ने पहले 5 मिनट में ही पहला गोल दाग दिया। इसके बाद अर्जेंटीना की टीम हमलावर नजर आई, लेकिन भारतीय क्षेत्र रक्षण ने मजबूती से हर हमले को नाकाम कर दिया। पहले क्वार्टर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 1 गोल और अर्जेंटीना 0 पर रही, लेकिन दूसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना के आक्रमण ने इंडिया के डिफेंस को तोड़ दिया और अर्जेंटीना ने पेनाल्टी कॉर्नर से 1-1 से खेल बराबरी पर कर लिया। वहीं टीम इंडिया की फॉरवर्ड लाइन की कमजोरी सामने आई। भारत को 2 मौके मिले, लेकिन टीम इंडिया इन्हें गोल में बदलने में कामयाब नहीं रही। अब दबाव टीम इंडिया पर था। तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू होते ही अर्जेंटीना ने हमले को बरकरार रखते हुए पेनाल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया और भारत के खिलाफ दूसरा गोल ठोक कर टीम इंडिया के लिए चुनौती बढ़ा दी। टीम इंडिया पूरी मेहनत से गोल करने का मौका तलाशती रही, लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंस ने कोई मौका नहीं दिया। हालांकि चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों में से किसी भी टीम की ओर से गोल नहीं हो पाया। आखिर में अर्जेंटीना की टीम 2-1 से सेमीफाइनल मैच जीतने में सफल हो गई। टीम इंडिया के पास मेडल जीतने का एक और मौका अब भी बाकी है। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेलेगी। फिर भी पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले महिला हॉकी टीम को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।